नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। शारदा नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों में पूजा पाठ के लिए लगी भीड़। नवरात्र में देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व। इन 9 दिनों में पूरी भक्ति से मां दुर्गा की उपासना की जाएगी। नवरात्र देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, खासतौर पर गुजरात और बंगाल में नवरात्रि की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। नवरात्र का हर दिन मां दुर्गा को समर्पित है। नवरात्र के 9 दिनों तक दुर्गा मां के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के अंतिम दिन को महानवमी कहा जाता है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं और इस साल नवरात्र पर 58 साल बाद शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करीब शनि और ग्रह करीब हैं, तो वहीं 58 साल बाद अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। अटल जी की कर्मभूमि को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, बलरामपुर में बनेगा 300 बेड का अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। बिहार चुनाव में होगी सीएम योगी की रैली, 20 अक्टूबर से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करेंगे सीएम। बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां करेंगे सीएम योगी। रायबरेली में 562 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बांटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 3 सालों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे चुकी है। दिनेश शर्मा ने विस्तार से अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर निशाना साधने के सवाल पर कहा कि विपक्ष हताश है और प्रायोजित तरीके से गलत बयानबाजी कर रहा है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान को लेकर कोर्ट में डाली गई याचिका की सुनवाई जिला जज के द्वारा की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने याचिका को दायर करने की अनुमति दे दी है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बाराबंकी रेप कांड के विरोध में हुआ प्रदर्शन। बता दें कि परिवर्तन चौक पर महिला विंग का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं बढ़ते बलात्कार के मामलों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। सहारनपुर में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व पार्क में वन गुजरों की पंचायत में पहुंचे सपा विधायक, एसडीएम के खिलाफ मुकदमा कराने तक धमकी दे डाली, तो वहीं इतना ही नहीं अधिकारियों पर गुंडागर्दी करने तक के आरोप लगा डाले। कोरोना काल में नवरात्र के दौरान विंध्याचल धाम में आने वाले भक्तों के लिए व्यापक सुरक्षा के साथ तैयारियां की गई हैं। 8 जोन में 16 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटकर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मॉनिटरिंग के लिए जस्टिस मदन बी लोकर नियुक्त किए गए, तो वहीं यूपी पंजाब हरियाणा के लिए 1 सदस्य मॉनिटरिंग कमेटी तैयार होगी। तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जस्टिस लोकुर को करेंगे सहयोग। नोएडा में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स का प्रदर्शन, सड़क पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। कोरोना काल में कईयों की नौकरी जाने के बाद स्कूल की तरफ से नहीं मिल रही कोई राहत। फीस वृद्धि को लेकर पीड़ित अभिभावक संघ, मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट और उन्नाव अभिभावक संघ के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर दर्जनों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में मोहम्मद बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के क्रय केंद्रों का दौरा किया। क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था देख आग बबूला हो गई विधायक। विधायक ने हालत देख गुस्से में रजिस्टर बिल बुक ही पटक दी। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सरकार पर बोला हमला, कहा बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने में सरकार नाकाम, हर रोज कई घटनाएं और बलात्कार हत्याएं हो रही हैं, अपने नेताओं और अधिकारियों को बचाने में जुट जाती है सरकार। सपा नेता सुनील साजन का हमला, बीजेपी का गुंडा अपराधी सरेआम गोलियां चला रहा है। आरोपी के बचाव में आए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, क्या कल मुख्यमंत्री भी अपराधियों में बचाव करने के लिए उतरेंगे। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का हमला, कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को सरकार दे रही है नियुक्ति, ज्यादा नंबर पाने वाले अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का कर रहे हैं इंतजार। अनुराग भदौरिया ने कहा आखिर ये लिस्ट कहां बनी है, किस दफ्तर में बनी है, आरक्षण नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। गाजियाबाद के सदरपुर गांव में आज 50 गांव के किसानों ने बैठक की है। किसान मधुबन बापू धाम में अधिकृत हुई
जमीन के मुआवजे की एक समान मांग पर लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लखनऊ में यूपी इंजीनियर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन जारी है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। 7 अधिशांसी अभियंता को रिकॉर्ड करने के भी विरोध में प्रदर्शन किया गया। गोंडा में खाद्य सुरक्षा विभाग त्योहारों को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। पूरे जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विश्व खाद्य दिवस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की कई दुकानों पर छापेमारी भी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी का कहना है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारों में मिलावटखोर बाजार में नकली खोआ बेचते हैं, मिलावट मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस कांड के 4 आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद है। पूरे मामले की सीबीआई जांच चल रही है। इन 4 आरोपियों से एक आरोपी रवि ने अलीगढ़ जेल में अपने परिवार वालों से गिरफ्तारी के बाद 2 बार संपर्क किया है। हाथरस के बहाने दंगा भड़काने की साजिश का मामला, साजिश की गहन जांच करेगी एसटीएफ की स्पेशल यूनिट। गंभीर धाराओं में दर्ज मामला एसटीएफ के हवाले। हाथरस में सीबीआई ने शुरू की जांच की रफ्तार। आरोपी लवकुश के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने आरोपी के घर को खंगाला। टीम को लवकुश के घर से मिले खून से सने हुए कपड़े। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा में लगी एसडीएम अंजलि गंगवार ने पीड़ित परिवार से उनके और उनके पशुओं के लिए राशन का आश्वासन दिया। और साथ ही मृतका के पिता ने जब अपने खेतों की कटाई के लिए उनकी इजाजत मांगी तो उन्होंने पुलिस सुरक्षा के साथ कटाई करने की इजाजत दी। पीड़ित परिवार गांव से दिल्ली जाने की मांग कर रहा है। मृतका के भाई ने बताया कि वो लोग अपना केस परिवार को दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे मदरसे। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कामिल और फाजिल की होंगी क्लास। 2 पालियों में संचालित होंगे प्रदेश के मदरसे। पहली पाली में सेकेंडरी और फाजिल की क्लास होगी तो वहीं दूसरी पाली में सीनियर सेकेंडरी और कामिल की क्लास होगी। 50% छात्रों को मदरसे में हर दिन आने की अनुमति। अभिभावकों को लिखित सहमति से बुलाए जा सकेंगे छात्र। साथ ही मदरसों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था जरूरी होगी। मदरसे के शिक्षकों और छात्र को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मेट्रो में अब यात्रा होगी और भी सुविधापूर्ण। मेट्रो प्रशासन ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। मेट्रो ने रैपिडो बाइक टैक्सी के साथ किया समझौता। यात्री अपनी अंतिम गंतव्य तक सस्ते दर पर कर पाएंगे यात्रा। बलिया में हुए गोलीकांड पर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का बयान, कहा अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। दोषी पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। बलिया पहुंचे एडीजी वाराणसी जोन ब्रजभूषण शर्मा ने घटना की जानकारी ली। एसपी और डीआईजी हैं, साथ कर रहे हैं लोगों से पूछताछ। गांव वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बलिया में खुली पंचायत में हत्या के मामले में डीआईजी आजमगढ़ जोन सुभाष चंद्र दुबे का बयान, धीरेन्द्र सिंह समेत 8 नामजद 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मौके पर पकड़े जाने के बाद भी धीरेन्द्र सिंह भाग निकला। डीआईजी ने कहा कि मामले में मौके पर मौजूद पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सभी नामजद आरोपियों को पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करेगी। बलिया मामले में आजमगढ़ जोन के कमिश्नर का बयान, अभी इस घटना में किसी की गिरफ्तारी की सूचना ही नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। बलिया मामले में मायावती ने ट्वीट किया, बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक। प्रदेश में कानून व्यवस्था तोड़ चुकी है दम। सरकार इस ओर ध्यान दे तो अच्छा होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी नेता ने एसडीएम और सीओ के सामने की हत्या। प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया। बलिया गोलीकांड मामले में आरोपी धीरेन्द्र सिंह से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। धीरेन्द्र सिंह पर बीजेपी जिलाध्यक्ष का बयान, धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के किसी पद पर नहीं है। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने धीरेन्द्र सिंह का बचाव किया। सुरेंद्र सिंह ने माना कि धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का कार्यकर्ता है, हर चुनाव में धीरेन्द्र सिंह ने बीजेपी को दिया साथ।
बलिया में हुई घटना पर सोशल मीडिया में संग्राम। आरोपी की गिरफ्तारी करने पर दी जा रही है धमकी। पूरे बलिया को हिलाने की दी जा रही है धमकी। आरोपी के समर्थन में सोशल मीडिया में पोस्ट बलिया में हुआ वायरल। बरेली के बहेड़ी पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने आज कई सभाएं की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहां मौजूद अधिकारियों से उसका निस्तारण भी कराया गया। इस दौरान वरुण गांधी ने ग्रामीणों को राष्ट्रवाद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मंदिर बनाने से नहीं बनता, मंदिर को तो तोड़कर कहीं और भी बना देंगे। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत का मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार की बड़ी मुश्किलें। मणिलाल पाटीदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। देवेंद्र शुक्ला कांस्टेबल अरुण यादव के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। भारत सरकार के लैंड पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने सोनोली बॉर्डर पहुंचकर चेक पोस्ट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सीमा पर चेक पोस्ट का निर्माण 2 साल में पूरा हो जाएगा। इसके बन जाने से बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जांच एजेंसी और चेक पोस्ट एक छत के नीचे आ जाएंगे। फरुखाबाद में खड़ी गाड़ी में लाश मिली है। लाश पर राम नाम का दुपट्टा पड़ा हुआ है। चेहरा जला होने की वजह से लाश की पहचान नहीं हो पा रही है। लाश कई दिन पुरानी थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। गाजीपुर के NH-24 पर गंगा स्नान करने जा रही 8 महिलाओं को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया है, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई है जबकि 5 महिला गंभीर रूप से घायल है। लोगों ने NH-24 को जाम कर पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि पीड़ितों को मुआवजा भी दिया जाएगा। कानपुर में चट्टा हटाने पहुंची महापौर और उनके दस्ते पर चट्टा संचालकों ने किया पथराव। जेपी कॉलोनी स्थित रेलवे मैदान के जंगल में चट्टा हटाने की सूचना पर पहुंची थी मेयर। प्रतापगढ़ में गंगा नदी में घड़ियाल दिखने से हड़कंप मच गया। स्नान कर रहे श्रद्धालुओं में मची भगदड़। स्नान कर रहे श्रद्धालुओं ने बनाया घड़ियाल का वीडियो। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। 35,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 असला और कारतूस बरामद। नोएडा में स्थित मशहूर फूड कंपनी हल्दीराम के दफ्तर में हैकर्स द्वारा वायरस अटैक किया गया। ये हैकर्स ने कंपनी के सर्वर में अटैक कर कंपनी की गोपनीय डाटा हैक कर लिए। हैकर्स द्वारा गोपनीय डाटा वापस करने के लिए करीब 7 लाख रुपए की डिमांड भी की गई। कानपुर में अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका हुआ मिला शव। नीम के पेड़ से गमछे का फंदा बनाकर लगाई फांसी। गोंडा में नाबालिग बच्चे के साथ एक युवक द्वारा रेप का मामला सामने आया। घटना के बाद पीड़ित लड़की के परिजन अपनी शिकायत लेकर कोतवाली नगर थाने पहुंचे। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पीड़ित लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। नोएडा में संदिग्ध हालत में कैरी बैग में पड़ा मिला नवजात शिशु। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की को हिंदू नाम बताकर प्रेम जाल में फंसाया। नाबालिग की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। हाथरस में हत्या के मामले में फरार चल रही महिला ने पुरानी रंजिश के चलते कोर्ट पर तारीफ करने पहुंची व्यक्ति के गले पर चाकू से किया हमला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र में पिछले महीने की 27 तारीख को टेक्निकल डायरेक्टर की हत्या में वांछित मुख्य आरोपी 50,000 का इनामी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। पुलिस की गोली लगने से घायल अभियुक्त हुआ। हरदोई पुलिस ने सांडी कस्बे में सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूटने वाले मुख्य आरोपी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सांडी कस्बे से सराफा व्यापारी को गोली मारकर घायल करने के बाद रुपए से भरा बैग लूट लिया था। वाराणसी में रजाई गद्दे की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का
माल जलकर खाक हुआ। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालौन में एक नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया। गोरखपुर के शाहपुरा थाना इलाके में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से बुजुर्ग महिला और 14 साल के नाती शव को बरामद किया है। गाजियाबाद में दो वैन में अचानक आग लग गई। स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग के निवास के पास लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ का सीएमओ ऑफिस इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सीएमओ के नाक के नीचे कर्मचारी बेखौफ होकर पैसों की वसूली कर रहे हैं। इटावा के विकास भवन में सीडीओ के खिलाफ धरने के दूसरे दिन भी बड़ी हलचल। जनपदों के संगठन के जिलाध्यक्षों ने धरने का समर्थन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से अधिकारियों को हटाने की गुजारिश की, कहा अगर हटाया नहीं गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। गाजियाबाद के शास्त्री नगर और नई बस्ती इलाके में फूड सेफ्टी विभाग ने रेड की है, जहां पर भारी संख्या में यहां से मिलावटी घी भी बरामद किया गया है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक घर में ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान घर में अवैध रूप से रखी हुई लाखों रुपए की दवाइयां बरामद की गई हैं। गोंडा में नगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। मुर्दे की शपथ पर अधिकारियों ने दुकान कर दी ट्रांसफर। 2017 में नाइम खान की इलाज के दौरान मुंबई में मौत हो गई थी। आगरा में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। बाद में एक युवक ने 6 फीट के अजगर को पकड़ा। बदायूं के मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे पर सरेना वर्दी की मर्यादा को एक महिला सिपाही के पति ने तार तार कर दिया। पति ने वर्दीधारी अपनी पत्नी की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही कोविड सेंटर पर ड्यूटी कर रहे अपने पति के साथ लौट रही थी, तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कोटद्वार में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के मालवीय उद्यान एकत्रित होकर रैली निकालकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उधम सिंह नगर के गदरपुर में सड़क जाम कर पुतला दहन करने के मामले में कोर्ट में पेश न होने के चलते न्यायालय द्वारा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। बता दें कि 2015 में सड़क जाम कर पुतला दहन करने से मामले में केस चल रहा है। हल्द्वानी में कृषि विधेयक बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसान विरोधी रैली निकाले जाने मामले पर हल्द्वानी पुलिस ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके विरोध में एसपी सिटी कार्यालय के बाहर धरने पर लोग बैठ गए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में हुई नकल और गड़बड़ी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने इसकी पुष्टि की है। मामले में जांच के लिए सरकार से एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी ने इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी है। आयोग ने सचिव संतोष बड़ूनी ने बताया कि बच्चों से परीक्षा से संबंधित सुझाव भी मांगे गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा भवन में 101 फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज तिरंगा का ध्वजारोहण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई लोग उपस्थित रहे। मसूरी में नगर पालिका की बोर्ड बैठक स्थगित। पालिका की बोर्ड बैठक स्थगित होने पर हंगामा। शिफिन कोर्ट से हटाए गए 84 परिवारों में रोष। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी विधानसभा प्रभारी नवीन प्रसाली ने मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन करते हुए मां गंगा को पुनर्स्थापित करने की मांग करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब होने वाली सरकार बताया। आमतौर पर चुगान सत्र 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार नदियों में पानी रहने के कारण वाहनों में फिटनेस संबंधी वजहों से खनन कार्य शुरू होने में देरी हो सकती है।
उधम सिंह नगर में बढ़ते अपराध को देखते हुए एसएसपी दिलीप कुंवर ने पुलिस टीम का गठन किया है। पुलिस की ये टीम उन इनामी बदमाशों को पकड़ने का काम करेगी जिसने पूर्व में अपराध किया है और पुलिस की पहुंच से दूर है। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मसूरी में कल कंपनी बाग पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ी संख्या में पर्यटक कंपनी बाग में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने मसूरी पहुंच रहे हैं। कंपनी गार्डन विकास समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि गार्डन खुलने के व्यापारियों और नौकरी कर रहे युवाओं में खुशी की लहर नजर आ रही है। तो वहीं पहले दिन कई प्रदेश से सैकड़ों पर्यटक गार्डन में पहुंचे हैं। सुरेंद्र सिंह राणा ने कहा कि गार्डन को रोज सैनिटाइज किया जाएगा। पर्यटकों को मास्क पहनने के बाद ही गार्डन में एंट्री मिलेगी। विश्वविख्यात महर्षि महेश योगी की भावातीत 84 कुटिया देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आज से खुल गई है। पार्क निदेशक पर्यटकों के लिए इसके द्वार खोले हैं। 84 कुटिया में प्रवेश के लिए पार्क प्रशासन ने पर्यटकों के लिए शुल्क निर्धारित किया है। यहां पर विदेशी पर्यटकों के लिए 600 और देशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये शुल्क है। हरिद्वार में गंग नहर को आधी रात बंद कर दिया गया। अब 14 नवंबर को गंग नहर में पानी छोड़ा जाएगा। गंग नहर के बंद होने के बाद बड़ी मात्रा में गंदगी दिखाई देने लगी है। गंग नहर के बंद होते ही पैसे बीनने वालों की भीड़ लग गई। सुबह नहर में चांदी का मुकुट मिला तो वहीं गंग नहर में साफ सफाई के और मरम्मत के कार्य शुरू हो जाएंगे। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन ने रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबित चली आ रही देनदारियों का भुगतान करने के लिए ऐलान किया है। नगर निगम ने 6,17,58,000 रुपए रिलीज किए हैं। यह रकम 464 कर्मचारियों को दी जाएगी जिनमें से आज 315 कर्मचारियों को 6,17,58,444 रुपए मुख्य नगर आयुक्त ने रिलीज कर दिए हैं।